जाता है और ये दिल्ली के बीचों बीच पड़ता है, इसीलिए इसे दिल्ली का दिल भी कहा जाता है। और ये जगह शॉपिंग, हैंग आउट वगैरह के लिए काफी ज्यादा फेमस है, इसलिए दिल्ली के आसपास से काफी लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते रहते हैं। तो चलो चलते हैं, आपको सीपी दिखाते हैं। तो सीपी का एक हिस्सा है राजीव चौक, इसीलिए जो सीपी का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो भी राजीव चौक के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मेरे पीछे जो मेरे पीछे जो सफेद बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, वो यहाँ की ना मेन अट्रैक्शन है। लोग दूर दूर से यहाँ पे फोटो क्लिक करने के लिए आते रहते हैं और हैंग आउट भी करते हैं और शॉपिंग भी करते हैं। तो ये जगह काफ़ी अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे खुले रोड वगैरह भी है, बीच में बड़ा सा झंडा है और ऐसे सफेद सफेद बिल्डिंग्स है। तो ये जो बिल्डिंग्स है इसके अंदर काफ़ी सारे शॉप्स हैं, बहुत सारे शॉप्स होते हैं यहाँ पे। और आज संडे का दिन है इसलिए अभी शॉप्स वगैरह बंद है, थोड़ी देर में खुल जाएंगी। और ये जो पिलर्स है ये भी काफ़ी प्यारे लगते हैं, ये देखो। तो यहाँ पर आपको ऐसे बड़े बड़े क्लोथिंग ब्रांड्स वगैरह मिल जाएंगे शॉपिंग के लिए, और जितने भी ब्रांड्स हैं ना आपको सारे के सारे ब्रांड्स यहाँ पर मिल जाएंगे। एटीएम वगैरह है, छोटी छोटी स्टॉल्स वाले शॉप भी लगते हैं यहाँ पे, और बीच में पार्क है, इस वजह से ये बेस्ट हैंग आउट जगह माना जाता है। और रात के टाइम पर भी यहाँ पर लोग हैंग आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि यहाँ की जो माहौल होती है रात के टाइम पर वो बहुत ही अच्छी होती है। तो ये देखो यहाँ पर ऐसे H&M, लेविस, ये सब बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स वगैरह हैं जिनकी शॉपिंग करने के लिए लोग यहाँ पर आते रहते हैं। तो यहाँ पर सीपी के अंदर इस तरीके से छोटे छोटे कैफे वगैरह भी है, यहाँ पर आपको ऐसे फॉरेनर्स भी घूमते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है वो ब्रिटिशर्स ने बनाया था ना, तो इनके ही फैमिली के कोई होंगे वो। तो सीपी में काफ़ी सारे एक्टिविटी एरिया भी है, जिनमें से एक है म्यूजियम ऑफ इल्यूजन। और ये जो म्यूजियम है यहाँ पे इल्यूजन्स वगैरह होता है, यानी आपको जो दिखता है वो एक्चुअल में होता नहीं है। तो ये काफ़ी एक्साइटिंग एक्टिविटी होती है और इसका मैंने फुल ब्लॉग भी बनाया हुआ है, मैं यहाँ पे घूम चुकी हूँ, मैंने यहाँ का फुल ब्लॉग भी बनाया हुआ है। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके इस पूरी वीडियो को देख सकते हो। तो यहाँ पर सीपी के अंदर बड़े बड़े शॉप्स तो हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे शॉप्स भी खुले होते हैं जहाँ पे कपड़े वगैरह मिल जाएंगे, आपको मोबाइल के कवर वगैरह मिल जाएंगे, कवर का भी शॉप वगैरह मिल रहा है यहाँ पे छोटा मोटा। ओह शिट भैया, इसने किया, गलती से गिर गया। कितने अच्छे देखना, ले लू एक। ये देखो एनिमे लवर्स, देखो तुम्हारे लिए कितने मस्त मस्त है। यहाँ पे गोकू है शायद, ये मेरा एक फ्रेंड बोल रहा था। ये देखो भाई क्या मस्त है, अच्छा है ना। तो मेरा पुराना कवर ये था जिसको हटा के मैंने ये लगवा लिया है, और मुझे पड़ा है 200 रुपए का। वैसे तो ये बताते हैं, माया शर्मा डिस्काउंट लगाया गया ना। तो सीपी के अंदर आपको काफी सारे वॉल आर्ट्स, पेंटिंग्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे, और उनमें से एक वॉल आर्ट मेरे सामने है, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ये पेंटिंग। आर्किटेक्चर वगैरह देख पा रहे हैं, ये बनाया गया है ब्रिटिशर्स के द्वारा, यानी ब्रिटिशर्स ने 90s के टाइम में आके इसका कंस्ट्रक्शन किया था, और तब से इस जगह पे लोग आना जाना करने लगे हैं, बिजनेस करते हैं, शॉपिंग करते हैं और घूमते फिरते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है इस जगह का नाम है सीपी, यानी कनॉट प्लेस। तो ये जो कनॉट प्लेस नाम है वो कैसे पड़ा, तो मेरे रिसर्च के हिसाब से जो भी मैंने गूगल वगैरह से रिसर्च किया, मुझे ये पता चला कि आयरलैंड में एक कनॉट करके एक छोटी सी जगह थी जहाँ का एक रूलर था जिसका नाम था प्रिंस आर्थर, और उसे कहते थे ड्यूक ऑफ कनॉट, यानी वहाँ का एक छोटा सा रूलर था या फिर हाईएस्ट रैंक वाला बंदा था जिसको ड्यूक ऑफ कनॉट कहा जाता था। और वो जो आदमी था, मतलब जो प्रिंस आर्थर थे, वो यहाँ पे आए, उन्होंने इस कनॉट प्लेस का कंस्ट्रक्शन किया या फिर यहाँ का आइडिया निकाला, उसके बाद से इस जगह का नाम भी कनॉट प्लेस करके रख दिया गया। तो अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया है तो आप प्लीज़ उसको करेक्ट करके कमेंट में बता दीजिएगा, बाकी मेरे रिसर्च के हिसाब से मुझे तो पता चला, मैंने आपको बता दिया। थोड़ी देर में हम सेंट्रल पार्क में भी चलेंगे और पूरा सीपी घूमेंगे। तो पार्क के अंदर कुछ ऐसे फूल वगैरह भी है।
तो ये पार्क भी काफी ज्यादा फैला हुआ है, काफी वाइड है, जहाँ पे बहुत सारे फूल वगैरह है और काफी लोग फोटोशूट भी करा रहे हैं। तो पार्क के बीचों बीच जो आपको झंडा दिखता है वो ये वाला झंडा है, ये देखो भाई कितना ऊपर है, वाह। तो पार्क के बीचों बीच कुछ ऐसे अलग अलग स्टाइल में फूलों को रखा गया है और आगे भी देखो, ये देखो माउंटेन टाइप बना दिया गया है। तो सेंट्रल पार्क के बीचों बीच ये देखो भाई यहाँ पे ट्यूलिप्स भी लगाए हुए हैं, ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, तीन कलर्स में, व्हाइट, रेड और येलो में। फेब्रुअरी या मार्च के टाइम पे यहाँ पे आते हो तो आपको ऐसे ट्यूलिप्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे और ये सीपी के बिल्कुल बीचों बीच गार्डन है। तो ये सेंट्रल पार्क का म्यूजिकल फाउंटेन, यहाँ पे शाम के टाइम पे ना फाउंटेन ऑन हो जाता है और उसके बाद गाने वाने भी बजते हैं यहाँ पे। अभी दिन का टाइम है इसलिए फाउंटेन वगैरह चल नहीं रहा है, शाम को चलना स्टार्ट हो जाता है। तो सेंट्रल पार्क के बीच में है ये म्यूजिकल फाउंटेन और शाम के टाइम में ना यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से फाउंटेन से पानी निकलता है। फाउंटेन से पानी ही निकलता है। तो मैं काफी टाइम के बाद इस पार्क में आई हूँ और मुझे ये एनवायरनमेंट काफी अच्छा लगा है। यहाँ पे ऐसे पॉट वगैरह लगे हुए हैं फ्लावर्स के और बीचों बीच भी बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, ट्यूलिप्स वगैरह भी है इस बार, तो काफी अच्छा लग रहा है। और ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हो ना, ये दिखाना सीढ़ियाँ, ये वही सीढ़ियां हैं जहाँ पे लोग स्टंट कर करके ना इतनी सारी टिकटॉक्स बना बना के वायरल करते थे और इस जगह का सत्यानाश मार के रखा हुआ था, लेकिन जब से टिकटॉक बंद हुआ है हमें शांति मिल गई है। माया के बाल देखो, देखो चाउमीन लग रहे हैं, चाउमीन नूडल्स वगैरह नूडल्स। तो दोस्तों ये जो पार्क है ना पुराना, चलते रहो ना, तुम रुके क्यों? खुद रुकी हो तुम, मैं नहीं रुका। नहीं कोई स्टार्ट है, चलो आवाज ठीक कर लो, बंद नहीं, बंद नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ, चल ना आना वापस कर फिर। चल मेरे को अंदर रहना है ना सनी, फिर पीछे चलना, तूने बोला कि मैं अंदर जा रही हूँ। कोई वीडियो बनाएगा, तू ही घुस गया मेरे साथ। क्या बोल रही हूँ।